दोस्तों, मैंने आप सभी को CPBC और UPBC के बारे में काफ़ी बार बताया हुआ है, उसके प्राइस भी बताए हुए हैं, उसकी कंपनी भी बताई हुई है और बाकी की चीज़ें भी बताई हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो GI की जो फिटिंग आती है भी आती है, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, लोग ज़्यादा लगवाते थे, घर पर भी लगवाते थे और भी अलग अलग यूसेज के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई भी अगर पाइप का काम होता है तो लोग अधिकतर प्लास्टिक के तरफ ही जाते हैं, चाहे वो घर का फिटिंग कराना हो या कोई भी काम हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसका बिजनेस कर रहे हो या फिर लगवाने की सोच रहे हो तो आपको तो वीडियो चाहिए ही, और मुझे पता है कि आप सभी को YouTube पर वीडियो कोई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, इसमें मैं आप सभी को कुछ बेसिक साइज बताऊँगा, जैसे कि 0.5 इंची, 1 इंची, 0.5 इंची, और उसमें भी जो निपुल होते हैं उनके प्राइस, टी वगैरह, एल्पो वगैरह, इन सारी चीज़ों के प्राइस अच्छे से। वैसे तो फिटिंग में आपको सभी को पता होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं फिटिंग्स वगैरह में, बहुत सारे अनगिनत फिटिंग आती हैं, लेकिन जो मेजर फिटिंग है, जो मेन फिटिंग है, जो हर जगह हमेशा अधिकतर लगता रहता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रखे हुए हैं आयरन के फिटिंग, ठीक है, CPVC वाली फिटिंग और UPVC वाली फिटिंग तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, लेकिन जो GI में आता है वो पहले सभी लोग लगवाते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा कम यूज़ करने लगे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में नॉलेज हो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, इस वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर सकता, क्योंकि GI में भी बहुत सारे फिटिंग्स आते हैं जो एक ही वीडियो में कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है, वो भी 5 और 6 मिनट के वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रखा है हमारा 0.5 इंची का 4 इंची निपुल, और ये है हमारा 0.5 इंची। आप लोग फ़र्क देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट करो। अब आपको पता चल रहा होगा इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ये 0.5 इंची है और ये 0.5 इंची है, ठीक है। अब इसको हम लोग साइड में करते हैं। प्राइस में मैं आपको साथ ही साथ बताता चलता हूँ, ये 0.5 इंची का 4 इंची निपुल आपको 15 रुपये में, और 0.5 इंची का 4 इंची निपुल आपको 18 रुपये में मिल जाता है। ये 4 इंची लंबा है, ठीक है, और ये जो 0.5 इंची है ये इसका डायमीटर कह सकते हो, है साइज है, और ये है 6 इंची लंबा 0.5 इंची में, ये आपको 20 से 22 रुपये में मिल जाता है। देखो, किसी भी GI फिटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका चूड़ी, अगर उसका चूड़ी ख़राब है तो वो GI फिटिंग बेकार है, उसमें कोई भी पाइप वगैरह नहीं लग सकता। इसलिए GI फिटिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहता है कि इसमें जब भी चूड़ी फेल हो जाती है ना, तो फिर वो बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। और CPVC में क्या रहता है कि आप लोग सोल्यूशन से चिपका सकते हो, तो उसमें सब सारी चीज़ों से डरने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो ये हमारा जो है, ये है टी, और ये आज भी यूज़ होता है, कहाँ पर, ये मोटर और नल के बीच में लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर नल का पाइप लगता है, और जो इधर है ये यहाँ पर मोटर का पाइप जाता है। तो ये है 1.25 का टी, ठीक है, ये आपको 80 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा हैवी में है, तो ये कुछ इस टाइप का है। ये मोटर के लिए अधिकतर मोटर और नल के बीच में लगता है। फिर इसके बाद अगर हम साइड में आते हैं तो ये हमारा 1 इंची। अब मैं आपको 0.5 इंची से दिखा देता हूँ, ये देखो डिफरेंस, ये है 0.5 इंची और ये है हमारा 1 इंची, तो आपको डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा। अब ये एक चीज़ और बता दो, ये 1 इंची 4 इंची है, 1 इंची 4 इंची आपको 20 रुपये में मिलेगा, वही अगर आप 6 इंची में लेते हो 1 इंची में तो आपको 25 रुपये में मिलेगा, और ये है हमारा 0.5 इंची का 3 इंची निपुल जो आपको 10 रुपये में मिलेगा। अब हम साइड में आते हैं, यहाँ हमारे पास 0.5 इंची रखा हुआ है, ये 9 इंची निपुल है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि 9 इंची है, वो टाइम के साथ साथ हमें इतना अनुमान हो जाता है। तो अगर आप भी इन सब कामों को करना चाहते हो तो आप परेशान मत हो, मुश्किल से हफ्ते भर में ही आपको लंबाई में पता चल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने भर में आराम से साइज को देख कर ही पता कर सकते हो। तो ये 0.5 इंची में 9 इंची है, ये आपको मिलेगा लगभग 25 रुपये में। इसके अलावा ये 1.25 इंची 4 इंची निपुल है जो आपको 30 रुपये में मिलेगा, ठीक है। ये लो, ये हमारा बेसिकली नल में यूज़ होता है। 1.25 इंची फिटिंग अधिकतर हम लोग नल में यूज़ करते हैं, 0.5 इंची और 0.5 इंची हम बेसिकली फिटिंग के लिए या फिर किसी चीज़ को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा हेक्स निपुल रखा हुआ है, इधर हम लोग पाइप को बंद करने के लिए जो लगाते हैं एंड कैप, ये है, ठीक है, ये अंदर से के है, और जो हमारा ये है ये बाहर चूड़ी का है।
इधर हमारे एल्बो वगैरह रखे हुए हैं, एक आधी के, एक पौना के टी रखे हुए हैं, 1 इंची में टी रखा हुआ है, एक आधी का, पौन आधी का टी रखा हुआ है, साकिट इधर रखे हुए हैं, ठीक है। इनके सबके अगर मैं प्राइस बताऊँ तो आपको 25 से लेकर 30-40 के अंदर आपको 1 इंची, पौना इंची, आधा इंची टी, साकिट, एल्बो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, ठीक है, पर पीस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो नल में 1 फुट लगता है या 52 इंची, ये आपको 80 रुपये फुट मिलेगा, यानी कि 1 फुट है तो 1 फुट 80 रुपये का हो जाएगा, 52 इंची का जो नल में लगता है, यानी कि मोटर से जोड़ने के लिए नल में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि निपुल, टी, साकेट, एल्बो, ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर GI के फिटिंग्स में होने चाहिए, या उसको दुकान, अगर आपका दुकान है तो आपको पता होना चाहिए, या अगर आप लोग प्लम्बर हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे आज के टाइम पर बहुत सारे कम लोग लगवाते हैं GI, और उसका यूज़ भी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं इसके बारे में जानना, लेकिन अगर आपको पता रहेगा ना तो कहीं कहीं पर काम आ जाता है, और अगर आपको काम नहीं पता होगा तो वो काम आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो।